जनपद में थाना प्रभारी पुंछ और उनकी टीम द्वारा एक उल्लेखनीय कार्य किया है। रात्रि में इन्फॉर्मर की सूचना पर इन्होंने 5 तस्करों को पकड़ा है जो सोनभद्र से लगे बिहार सीमा से एक क्रेटा गाड़ी में गांजा तस्करी करके ले जा रहे थे। इनकी सूचना पर इन्होंने उनको रोका। जब वो रोका तो वो गाड़ी को डिवाइडर पर चढ़ा दिया और डिवाइडर से टकरा करके वो गाड़ी के दोनों अगले पहिए भ्रष्ट हो गए, रुक गए। हल्की फुल्की उनको चोटें आई थी। फिर उन्होंने जब उनको रोक करके तलाशी ली है तो उनकी गाड़ी से 3 बोरियों में भरे हुए 60 किलो गांजा और उनके तलाश उनके पास से कुल 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए और गाड़ी का कोई उनके पास पेपर नहीं है। डीएल नंबर की गाड़ी है, संभवतः गाड़ी भी चोरी की हो सकती है। इसमें जो पकड़े गए हैं 5 व्यक्ति, उनमें से एक रवि यादव और प्रशांत शर्मा, ये जनपद गाजियाबाद के निवासी हैं। रवि यादव क्रिमिनल है जिसपे 11 मुकदमे हैं, उस पर लूट के कई मुकदमे हैं, NDPS के और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे हैं। प्रशांत शर्मा के ऊपर 2 मुकदमे हैं। इसके अलावा 3 लोग जो हैं, शकील काशिम शिवनान और फैजान, ये 3 जो है संभल के रहने वाले हैं और ये लोग वहाँ से आकर के गांजा ले जाकर के अपना अपने एरिया में तस्करी करते हैं, उसको भी सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। इस पूरी टीम ने एक उल्लेखनीय कार्य किया है, इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से इस पूरी टीम को 25,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया है। और इनके जो अपराधी पकड़े गए हैं, इनसे जो सूत्र मिले हैं उसको हम आगे डेवलप करके कि ये तस्करी कहाँ कहाँ से लेकर के जा रहे हैं और कौन लोग सप्लायर हैं उन तक पहुँचने की हम कोशिश कर रहे हैं।